फिजिकल एविडेंस टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फिजिकल एविडेंस ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका है हमने प्रीवियस लेक्चर में, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा होगा उसमें फिजिकल एविडेंस के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा. तो एविडेंस, एविडेंस अगर हम ब्रेक करें, अगर इस वर्ड को फिजिकल और एविडेंस, तो अगर इस सेंटेंस को हम, सेंटेंस नहीं कहना चाहिए, दो वर्ड्स आपस में एक साथ मिलके फिजिकल एविडेंस बनाते हैं. तो फिजिकल वर्ड अलग कर लो, एविडेंस वर्ड अलग कर लो. तो एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो किसी भी पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है या उसकी प्रेजेंस वहां पर थी. और फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है, जिसका कोई क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है. तो वो एविडेंसेस जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस, कोई शेप साइज होता है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल एविडेंस. क्या कहते हैं? फिजिकल एविडेंस. तो मैंने क्या कहा? फिजिकल एविडेंस. एविडेंस वो सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो सब्सटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है एविडेंस जो कि है किससे कनेक्टेड, कनेक्टेड है किसी क्राइम से, किसी क्राइम सीन से, या किसी पर्सन से जिसने, किसी क्रिमिनल से जिसने क्राइम किया है. ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस, वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल जो किसी जो कनेक्टेड है किसी क्राइम सीन से या क्रिमिनल से, जिनका कोई फिजिकल शेप और साइज है, कोई शेप है, कोई शेप है, साइज है, अपीयरेंस, तो वो कहलाएगा फिर फिजिकल एविडेंस. तो क्या कहलाएगा वो? फिजिकल एविडेंस. सिंपल सी आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं. वो कोई भी सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स जो कनेक्टेड होती है किसी क्राइम से, किसी क्राइम सीन से या किसी क्रिमिनल से, जिनका कोई शेप साइज या अपीयरेंस, कोई स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल एविडेंस कहते हैं. अब इन फिजिकल एविडेंस के हमने टाइप पढ़ने हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं. तो फिजिकल एविडेंस एक बार फिर से कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो फिजिकल एविडेंस क्या होता है? फिजिकल एविडेंस आर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एस्टैब्लिश दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड. तो ये जो फिजिकल एविडेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करके दे सकते हैं जो ये बताता है कि कोई क्राइम कमिट हुआ होगा. और कैन एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द सस्पेक्ट और द विक्टिम. और किसी सस्पेक्ट और विक्टिम के बीच भी लिंक क्रिएट कर सकता है. सस्पेक्ट कौन होता है? जिसके ऊपर हमने शक किया है, वो पर्सन जो क्राइम कर सकता है. विक्टिम कौन हो सकता, विक्टिम कौन होता है? जो परेशान हुआ उस पूरे एक्ट में, जो परेशान हुआ वो विक्टिम हो गया, और जिसने परेशान किया है वो सस्पेक्ट हो गया, जिस पे हम शक करते हैं कि इसने परेशान किया होगा. तो ये जो सस्पेक्ट विक्टिम की लिंक है, ये भी फिजिकल एविडेंस आपको बताती है. कोई क्राइम हुआ है, कैसे हुआ होगा, ये सारी चीज़ें भी फिजिकल एविडेंस आपको इन सब चीज़ों का आइडिया देती है कि कोई क्राइम कैसे हुआ होगा या सीन ऑफ क्राइम कैसा रहा होगा, सस्पेक्ट और विक्टिम में कोई लिंक्स हो सकते हैं क्या. ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारी इन्फो आपको फिजिकल एविडेंसेस देते हैं. एज ऑल द क्राइम सीन्स आर यूनिक. हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, फॉरेंसिक साइंस के कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल हमने पढ़े थे ना, कुछ प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, और हमने उसमें पढ़ा था कि सारा कुछ यूनिक होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. तो सारी चीज़ें इंडिविजुअल होती है, और हम ये मानते हैं कि हर एक क्राइम सीन यूनिक होता है, और उसका नेचर जो होता है यूनिक इन नेचर, वो नेचर यूनिक होता है, एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज फिजिकल एविडेंस. तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी चीज़, कोई भी थिंग फिजिकल एविडेंस के जैसे ट्रीट हम कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम. वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम हुआ है, किस तरीके का क्राइम सीन है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्राइम इज कमिटेड. तो क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं जब वो क्राइम हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्राइम एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द क्राइम वॉज कमिटेड, वी कैन लिस्ट एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग एज अ फिजिकल एविडेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ फिजिकल एविडेंस हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम हुआ है या कैसा माहौल था उस समय. इट मे बी नॉट पॉसिबल टू एनलिस्ट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी रिकवर्ड एज फिजिकल एविडेंस इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस. सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंसेज लाइक पीस ऑफ ग्लास,
पेंट, सॉइल, सीमन, सलाइवा, हेयर, नेल क्लिपिंग्स, फिंगर, फुट फुटप्रिंट्स सॉरी फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स आर वेरी कॉमन फाउंड एट द क्राइम सीन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस. तो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो फिजिकल एविडेंस में आते हैं. तो वो तो कोई ग्लास एविडेंस हो सकता है, पीस ऑफ ग्लास हो सकता है, पीस ऑफ पेंट, पेंट चिप हो सकती है, कोई सॉइल हो सकता है, ठीक है, सीमन हो सकता है इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, और सलाइवा हो सकता है, हेयर हो सकता है, नेल क्लिपिंग्स हो सकती है, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम कोई भी चीज़ आप फिजिकल एविडेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम एंड क्राइम सीन. द वेट गिवन टू ईच पीस ऑफ एविडेंस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द जूरी. अब ये भी अलग तरीके से डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, जो जूरी है जो जजमेंट पास करेगी वो ये डिसाइड करेगी कि उनका वेटेज कितना है. अगर मैंने बोला कि ग्लास पीस एज अ एविडेंस मुझे मिला है तो इस ग्लास पीस जो मेरा फिजिकल एविडेंस है ग्लास पीस का उसका वेटेज कितना होना है, वेटेज कितना होना है कि ग्लास पीस एविडेंस से क्या डिसीजन ले सकती है जो जूरी है. या फिर अगर मैं कहूँ फिंगरप्रिंट मिला है तो फिंगरप्रिंट ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस. फिंगरप्रिंट एविडेंस ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो यूनिक होता है, ग्लास से भी ज़्यादा यूनिक. ग्लास का भी जो भी आपको एविडेंस मिलेगा वो यूनिक होगा इन इट सेल्फ. बट अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट और एक स्टेप आगे है, तो फिंगरप्रिंट का वेटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस. ठीक है, एज कम्पेयर टू द ग्लास एविडेंस फिंगरप्रिंट एविडेंस का वेटेज ज़्यादा होगा. बट यही डिपेंड, ये जो वेटेज का खेल है कि ये जो वेटेज ग्लास एविडेंस का वेटेज कितना होगा कोई डिसीजन लेने में जूरी का, या फिंगरप्रिंट एविडेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में जूरी का वेटेज कितना होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये जजेस डिसाइड करते हैं, ये जूरी डिसाइड करती है. आफ्टर रिकोगनाइजिंग द फिजिकल एविडेंस एट द सीन नीड्स टू बी कलेक्टेड एंड पैक्ड प्रॉपरली. तो जैसे ही आप क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं, कोई भी एविडेंस मिला आपको, कोई भी फिजिकल एविडेंस मिला आपको, आप उसे प्रॉपरली पैक करेंगे और उसे प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे. व्हाइल हैंडलिंग द एविडेंस केयर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड टू अवॉइड द कंटामिनेशन फॉर एज फार एज पॉसिबल. तो जब आप हैंडल करेंगे, आपने कलेक्ट भी कर लिया, आपने पैक भी कर लिया, अब आपको भेजना कहाँ है वो एविडेंस, आपको भेजना है लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी भेजते तक आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी चीज़ें टूटे फूटे नहीं, वो सेफली जिस तरीके से आपने कलेक्ट और पैक किया है उसी तरीके से ही लैब पहुँच जाए. अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं या कोई क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो क्राइम और ऑफेंस और अ क्रिमिनल ऑफेंस इज एनी अनलॉफुल एक्ट. ये मैंने पहले भी आपको बताया है, कोई भी इल्लीगल चीज़ क्या होती है, एक अनलॉफुल एक्ट होती है. आप लॉ के अगेंस्ट जाके वो एक्ट परफॉर्म करते हैं, लॉ के अगेंस्ट जाके आप वो एक्ट कर बैठते हैं, तो वो क्राइम हो जाता है. तो क्राइम जिसे हम ऑफेंस भी कहते हैं, या फिर नेचर क्रिमिनल तरीके का है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस भी कहते हैं, इज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी विच इज पनिशेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है. व्हेनेवर एनी क्राइम इज कमिटेड देयर मस्ट बी सम रीजंस बिहाइंड इट. ये तो पक्की बात है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा उसके पीछे. कोई भी इस पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ क्राइम की बात नहीं कर रही हूँ, इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे का एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक कारण होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे आप ये क्लासेस कर रहे हैं, आपका कोई रीज़न है आप ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आप ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में लेट से उठते हैं, तो उसके पीछे का भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने लेट नाइट आप सोए तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न, आपको अपना स्लीपिंग कंप्लीट करना है, स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट करने हैं, तो आप लेट से उठेंगे. तो ये एम है ना आपका, आपका एम क्या है, आप लेट से उठ रहे हैं, आपका एम ये है कि अगर आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं या 1 बजे रात में सो रहे हैं तो मिनिमम 8 आवर्स की अपनी स्लीप कंप्लीट कर सकें, तो वो रीज़न हो गया. ठीक है, कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होती इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में. तो क्राइम भी इसी पैटर्न को, क्राइम भी यही रूल फॉलो करता है कि कोई भी क्राइम अगर हुआ है
नॉर्मल क्राइम है, छोटी मोटी चोरी की बात करें या किसी मर्डर की बात करें, क्राइम अगर हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अगर चोरी किया, अगर किसी पर्सन ने चोरी करी, कोई पर्सन चोरी कर बैठता है, तो ये रीजन हो सकता है कि उसको चोरी करना पसंद है, ये रीजन हो सकता है कि बेचारे के पास पैसों की कमी है तो उसको चोरी करनी पड़े, ये हो सकता है कि उसके पास वो पर्टिकुलर चीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने फोन चोरी करी तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास फोन ही नहीं है तो इस रीजन के लिए, या फिर जो फोन वो जो पसंद आ रहा है वो फोन नहीं है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है। तो क्राइम के पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है और वो रिलेटेड होता है, मोस्टली मनी से रिलेटेड होता है, या फिर अगर किसी से बदला लेना होता है, या फिर कोई इमोशंस, ठीक है, रिवेंज भी एक तरीके का इमोशन ही हो गया, बट इमोशन और रिवेंज को अलग अलग रखते हैं, बदला अलग अलग तरीकों से लेने का लोग प्लान कर लेते हैं। इमोशंस हो सकते हैं, हेट हो सकता है किसी से, एंगर हो सकता है किसी से, लव हो सकता है, तो हेट एंगर या लव की इमोशन की वजह से आप कोई क्राइम करते हैं, किसी से बदला लेना है तो मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, तो इन सब चीज़ों में क्राइम होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, ये कॉजेज है जो क्राइम करा देते हैं किसी भी पर्सन को। पर्पस क्या है, क्या पर्पस क्या है इन एनी क्राइम सीन, द फॉलोइंग थ्री एंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर अ यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एविडेंस कैन बी ऑब्टेंड। तो वो कौन सी ऐसी तीन इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो हो गया सस्पेक्ट, दूसरा हो गया विक्टिम, थर्ड हो गया क्राइम सीन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन। ठीक है, विक्टिम भी आपको एक हद तक इंफॉर्मेशन देगा, सस्पेक्ट से तो कुछ एक्सपेक्ट करने का आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सस्पेक्ट सस्पेक्ट है, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो सच कह रहा है, वो कोई गारंटी नहीं है वो झूठ कह रहा है, सस्पेक्ट हमेशा सस्पेक्ट ही रहेगा, बट स्टिल उसके एक्शन से, उसके वे ऑफ आंसर से आप एक हद तक एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि वो सच कह रहा है वो झूठ कह रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली सर्कल कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इन सारी चीज़ों से आप एक हद तक ऑलमोस्ट एक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं सस्पेक्ट के ऊपर। विक्टिम की बात करें तो विक्टिम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, विक्टिम से भी आपको फॉर एग्जाम्पल 80% इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। क्राइम सीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास सस्पेक्ट विक्टिम भी नहीं है, सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि मर्डर का केस है तो विक्टिम तो गया ना, विक्टिम तो मर गया, ठीक है, सस्पेक्ट आपके पास कोई है नहीं, तो सारा कुछ काम आपका करेगा क्राइम सीन। क्राइम सीन इतना इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आपको सारी हैपनिंग्स क्राइम सीन पे ही करनी है। तो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं पर्पस जब आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पहला सस्पेक्ट हो गया, दूसरा विक्टिम, तीसरा हो गया क्राइम सीन। तो मेन पर्पस है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, मेन पर्पस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंकिंग द सस्पेक्ट एंड विक्टिम विथ ईच अदर एंड विद द सीन ऑफ क्राइम थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट विद एट एनी थ्री एंटिटीज मेंशनड अबव। द मेजॉरिटी ऑफ क्राइम सीन टू द अबव एंटिटीज आर नोन एज थर्ड और मिसिंग मोस्टली सस्पेक्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्राइम सीन से आप क्या लिंक करते हैं, क्राइम सीन से आप सस्पेक्ट एंड विक्टिम को लिंक करते हैं, क्राइम सीन से जो आपने मटेरियल्स उठाए हैं, जो एविडेंसेस उठाए हैं, उनका आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। कैसा एनालिसिस, कोई ऐसा वैसा एनालिसिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं, साइंस उसके पीछे लगा रहे हैं, साइंस की थ्योरीज आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स आप उसके पीछे लगा रहे हैं। तो क्राइम सीन में जो भी आपको एविडेंस मिला है उस पर आप साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं, जो फिजिकल एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं। तो ये जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, हो सकता है कि वो सस्पेक्ट के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है वो विक्टिम के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो विक्टिम की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, सस्पेक्ट और विक्टिम का कोई लिंक है तो वो आपको बता सकते हैं। तो क्राइम सीन के एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन, ये तीन मेजर क्राइटेरिया है, ये तीन मेजर क्राइटेरिया है, सस्पेक्ट, विक्टिम और क्राइम सीन। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, क्राइम सीन को किसी सस्पेक्ट से लिंक करते हैं, क्राइम सीन को विक्टिम से लिंक करते हैं, सस्पेक्ट विक्टिम को लिंक, सस्पेक्ट और विक्टिम को लिंक करते हैं, सस्पेक्ट विक्टिम को क्राइम सीन से लिंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं और लिंक हो रही हैं, और ये हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है कि आप लिंक्स ही इस्टैब्लिश कर सकें। अब